नमस्कार, इसी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मैं गुर्दे के पत्थरी से पीड़ित हूँ, क्या मैं पत्थर के आकार को कम करने के लिए प्रतिदिन कुल्ती ले सकता हूँ? यदि हाँ, तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और मैं किस रूप में उपभोग कर सकता हूँ? क्या कुल्ती गुर्दे की पत्थरी के आकार को कम करने में मददगार है? इस सवाल के उत्तर में डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं, कुल्ती एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो आमतौर पर खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग की जाती है। आयुर्वेद में इसे कुलता के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम डोलिकोस बाइफ्लोरस है और यह लेग्यूमिनोसी परिवार के अंतर्गत आता है। धन्वंतर ग्रत, कोल कुलत्यादि चूर्ण, सुख प्रसव ग्रत, स्वारमयांत ग्रत आदि कुछ आयुर्वेदिक योग हैं जिनमें कुल्ती एक घटक के रूप में इस्तेमाल होता है। कुल्ती का वर्णन करते हुए आचार्य भाव मिश्र कहते हैं, हंति हिक्काश्मरी शुक्र दाहानाहन सपीनसा स्वेद संग्रह को मेधो ज्वर कृमि हरह परह। कुल्ती कई बीमारियों को ठीक करती है, जैसे हिक्का, हिचकी, अश्मरी, गुर्दे की पत्थरी, दाह, जलन, अनाह, पेट की समस्याओं, पीनस, सर्दी, मेदा, मोटापा, ज्वर, बुखार, कृमि, कीड़े की समस्या और स्वेद संग्रहक मतलब पसीने का कारण बनता है। आचार्य भाव मिश्र ने अश्मरी या गुर्दे की पत्थरी की समस्या को दूर करने के लिए कुल्ती को एक विशिष्ट गुणवत्ता के रूप में वर्णन किया है। इसलिए पत्थरी के आकार को कम करने के लिए बेशक आप कुल्ती खा सकते हैं। आप अपने आहार में कुल्ती का उपयोग रसम, सब्जी, चटनी, चटनी पाउडर आदि के रूप में कर सकते हैं। वृक्क पत्थरी से ग्रसित व्यक्ति 80 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर की मात्रा में कुल्ती के बीजों का ठंडा खाड़ा ले सकते है या 5-10 ग्राम कुल्ती को खाने में पकाकर ले सकते हैं। गुर्दे की पत्थरी के इलाज के लिए इसका उपयोग चूर्ण के रूप में भी किया जाता है। मूत्र पत्थरी रोग में कुल्ता और पोटेशियम साइट्रेट के लिथोलाइटिक गतिविधि पर एक तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।